किसान खेत में अच्छे लगते हैं पर गधे भी समान ढोते अच्छे लगते हैं, संसद में अच्छे नहीं लगते। उसकी तो मन की सुन ले, मारे मन की क्यों ना सुनता, 7 साल से उसी के मन की सुनते आ रहे, एक दिन आजा बैठ जा मारे भी सुन ले। किसान तो ये पूछ रहे कि इसमें धोड़ा क्या, बताता क्यों ना कानून उनने बनाए, इसमें सफेद क्या है कि पुलवामा में 40 जवान भी चुनाव जीतने के लिए मरवा दिए गए, किसके इशारे पे मारे शहीद कराए गए। हम तो पहले दिन भी ऐसे ही थे, 75वें दिन भी ऐसे ही हैं, 75 महीने बाद भी ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, और क्या टनाटन। तोमर साहब तो लगातार समझा रहे हैं कि अच्छा कानून है। किसे समझाया भाई? किसानों को समझा रहे हैं। कहाँ समझाया? कहाँ समझाया? परसों कहाँ? संसद में। संसद में? हाँ। नेट बंद और संसद में कुत्ते भौंकेंगे? तो नेट चलाते हैं आप? और अच्छा, यहाँ कौन सा उनने LCD लगवा रखी? वो तो आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि कानून में काला क्या, ये किसान बता नहीं पा रहे, ना राहुल गांधी बता पा रहे हैं। किसान तो ये पूछ रहे कि इसमें धोड़ा क्या, बताता क्यों ना कानून उनने बनाए, इसमें सफेद क्या है। अरे भाई, तो आपको दिक्कत क्या है कानून से? वो तो कह रहे हैं कि कानून एकदम पवित्र है, गंगा की तरह। यार एक बात तो बता, हम अब गर्मी आ रही, अहियो करा कोट पैंट पहन लो, मारे हमें। कोट पैंट क्यों पहन ले भाई, गर्मी में तो सफेद का वैसे कपड़े पहनेंगे बारीक वाले। ख्याल रख रहे हैं आपका, क्या सर्दी ना लग जाए। मारने का इरादा, फांसी है किसान की, सल्फास है ये तीनों कानून, और ये किसान के लिए ही ना, देश की 80% जनता के लिए फांसी है ये। समझा दो ना फिर उन्हें एक बार जाके जब पूछ रहे हैं। अरे हम तो इतनी दूर से, हम तो आए ना घर से, यहाँ समझाने ही तो आए, हम समझाने आए, वो अपनी बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लिया। तो 75 दिन से ऐसा कैसे समझा रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, और आप आगे भी उम्मीद लगा रहे हैं। कहा है अपना किला बंद करके बैठ गया, तार लगा दिए, खंबे खड़े कर दिए, इतने बड़े बड़े सुए लगा दिए, तो कैसे जावे? फोन कर लो, कह रहे फोन करने को, फोन नंबर नहीं देता। फोन ना तो फोन नंबर देता, ना ट्विटर पे जवाब देता, ना इंस्टाग्राम पर जवाब देता, ना ईमेल का जवाब देता। आपने मैसेज किया क्या ट्विटर और इंस्टा पे? किसे करे? देख लीजिए ना, आप तो वैसे ही बहुत फेमस हो, क्या पता कर दे आपका क्या है। रे मैं तो कई साल से कर रहा हूँ, आज तक जवाब ना दिया। कंगना का जवाब कैसे दे देते हैं? वो कंगना का जवाब दे देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक बड़ा चेहरा है कंगना रनौत, एक बड़ा चेहरा है, झांसी की रानी कहलाती है। इन गधे को साबुन से नुहाओगे घोड़ा हो जाएगा। एक बड़ा नाम है शख्सियत क्या देश की? इस देश के किसान से बड़ा किसी का नाम है? इस देश का किसान सबसे बड़ा है, जिसे तुम प्रधानमंत्री कहते हो वो भी इनके कदमों में झुकता है। और नहीं तुम्हें पता तो देख लेना, जब चुनाव आएगा इनके कदमों में होगा, लेकिन किसान नहीं झुकेगा। किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, जय किसान, जिंदाबाद। सुनो चलो हो गया। तो किसान पे क्या फर्क पड़ रहा? खुश है क्या? खुले आसमान के नीचे 75 दिन से आप बैठे हैं, इतने किसान शहीद हो गए, कल फिर टिकरी बॉर्डर पर 2 किसान शहीद हुए हैं। इसका शहीद का जवाब तो सरकार देगी, लेकिन किसान तो खुले में ही रहता है, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, पाला पड़ रहा हो, आंधी हो, तूफान हो, वो तो खेत में ही रहे अपने। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ से डर गए, चक्का जाम हर जगह तो की है यूपी में, यूपी के योगी के पुलिस से डर गए क्या? यूपी छोड़ दिए क्यों? हमको डर रहे और यूपी में ही तो बैठे। अच्छा। नहीं हम कौन सा पाकिस्तान में बैठे, यूपी में ही बैठे। अरे एक दिन पानी बंद करा था, बिजली बंद करी थी, शेर ऐसे दहाड़े, अपने फूफा भेज के तुरंत जोड़वा दिया, कटवा के देख अब क्या।
लेकिन धारा लगी हुई है, नोटिस भी आ गया है, तो गिरफ्तारी हो सकता है ना, यहाँ पे कभी भी खाली हो सकता है। तो करता क्यों ना, किसका इंतजार कर रहा, ट्रंप आदेश करेगा या पाकिस्तान से इनके रिश्तेदारों का आदेश आएगा? वो तो कह रहे हैं आपके रिश्तेदार है पाकिस्तान। बिरयानी खाने कौन गया था? बिना पासपोर्ट के कौन गया था? इससे विदेश विदेश नीति मजबूत होती है, ताकि देश का विकास हो सके, संबंध बना रहे। संबंध तो बन गए ना, अब की बार ट्रंप सरकार कहाँ गया? देखो अमेरिका गया, ट्रंप गया, पाकिस्तान गया, नवाज शरीफ गया है, और हमने अपनाया तो हम सड़क पे आ गए। बड़े मनुष्य कदम है भैया। क्या और सुन लो, जसोदा बहन ने अपनाया, कहाँ गई? मोदी जी कह रहे हैं आप लोग, वो उनका आंतरिक मामला है, इस पर टिप्पणी आप मत कीजिए। किसका आंतरिक मामला? जसोदा बहन वाला मामला। पता क्यों आंतरिक मामला? आंतरिक कैसे रह गया? परिवार का मामला। जब वहाँ विधायक का चुनाव लड़े तो पत्नी नहीं, दिल्ली में आ गया, सांसद का चुनाव लड़ा, पत्नी तो है, संपत्ति का पता नहीं, फिर पत्नी क्यों भरी उसने उसमें? या तो नो बतावे, मैंने छोड़ दी, नहीं तो साथ रख। जिसकी मांग भरी आज तक उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया, वो भी तो पूछ रही। तो देश की सेवा के लिए घर परिवार छोड़ के त्याग दिया, त्याग दिए। अच्छा, जो घरवाली छोड़ देगा वही देश सेवा करेगा, तो बाकी नालायक संसद में क्यों बैठे भाई? ये क्या कर रहे, ये गद्दारी कर रहे, ये गद्दारी कर रहे। अभी अभी खबर आई है कि बीजेपी के ही एक विधायक है, उनका कहना है कि किसान आंदोलन एक ही तरीके से अब खत्म हो सकता है। दो तरीके ये हैं कि पहला तो MSP को कानून बना दो, और दूसरा किसानों से बैठ के संशोधन कर दीजिए, बैठ कर बात कीजिए बस। ये किसने कहा? विधायक है। विधायक है ये दो अन्य के विधायक बोल जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री की तो हम सुनते नहीं, इन कुत्तों की सुनेंगे हम? अरे सुना कीजिए, मन की बात सुना कीजिए, तब तो समाधान दिखेगा। इसका मतलब आप अड़ियल रवैया अपना रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बस सुनते रहे, तब भी आप हम किससे कहे, उसकी तो मन की सुन ले, मारे मन की क्यों ना सुनता? 7 साल से उसी के मन की सुनते आ रहे, एक दिन आ जा बैठ जा, मारे भी सुन ले। देखिए कांग्रेस के टाइम में आत्महत्या बहुत होता था, तो कानून इसलिए लाया गया कि आपका भला हो सके। हाँ भला होगा। देख भाई, हिंदुस्तान के अंदर दो ही नालायक थे जो बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान गए, और दोनों बीजेपी में है। एक तो यो मोदी बिना पासपोर्ट के वहाँ गया वीजा के पाकिस्तान, और एक वो सनी देओल गया बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान। क्या ना के मोहर ना अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो यो भी गया था बिना पासपोर्ट के, बिना मोहर लगे, तो दोनों नालायक एक जगह है, तो रिश्तेदार ही नहीं। और देख सुन ले, वो बिरयानी खाने गया था अपने रिश्तेदार की लौंडिया की सगाई बेगाई क्या था है, और यो अपनी बहू की नहीं गया था, आपको तो रिश्तेदारी इनकी मारी वहाँ। ठीक है, आपको बिरयानी दिख जाता है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने किया वो आपको नहीं दिखता है? कौन सा उल्लू का पट्टा कह रहा, वो मेरे से एक प्रधानमंत्री ने करा बता? उनके ही आदेश है, उनके ही आदेश है, देश की सेना करती है। ये तो ऐसे ऐसे है कि पुलवामा में 40 जवान भी चुनाव जीतने के लिए मरवा दिए गए, किसके इशारे पे मारे शहीद कराए गए, उसको क्यों नहीं बताता? आप इतना विरोध करते हैं, इतना आप, लेकिन कुछ काम किए उसकी तो तारीफ कीजिए। 2.5 करोड़ शौचालय बनाया गया है, 2.5 करोड़। ना खाऊंगा ना खान दूंगा, शौचालय में क्या करने जाएगा? बता भाई। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि देश के किसानों को समझ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री दुखी है इस बात। इस अक्षय कुमार से कहना कि चप्पल पैर में है, भारत की नागरिकता छोड़ के हमें बताता है। वो तो राष्ट्रभक्त है। कैसे कौन सा राष्ट्रभक्त है? वहाँ का राष्ट्रभक्त होगा ना, जहाँ की नागरिकता ली है। यहाँ के हैं, यहाँ का कैसे हो जाएगा? कैसे अब कुत्तों को तुम गधा बना दोगे तो मेरे बस की है? गधों को तुम घोड़ा कहने लगो मेरे बस की है? जो देश की नागरिकता छोड़ चुका वो देशभक्त हो जाएगा? प्रधानमंत्री देश की नागरिकता क्यों छोड़ी उसने? अगर देशभक्त है तो देश की नागरिकता क्यों छोड़ी? देशभक्त बताऊं कौन होता है? देशभक्त था अब्दुल कलाम, उसको विदेशों से ऊपर आए कि हमारे यहाँ आ जा, उसने कहा नहीं जाऊं, भारत का हूँ, भारत में रहूँगा, उसे कहते हैं देशभक्त। देशभक्त किसे कहते हैं? देशभक्त थे सरदार भगत सिंह,
अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। देशभक्त अशफाकुल्ला खां है सरदार है मोदी देश भी तो जेल में रहे। अरे रे 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 सुन लो सावरकर, वो सावरकर है, अरे मीर वीर नहीं है, माफी वीर है, वही सावरकर जमानत ना मिलने पर रोया था। और हमारा वीर महावीर भगत सिंह फांसी मिलने पे मुस्कुराया था। वो होते हैं देशभक्त। वो कह रहे हैं कि 26 को आपने देश में नाम खराब कर दिया और आप विदेश में भी नाम खराब कर रहे हैं भाई। सारा क्या करके मानिएगा है? क्या करके मानिएगा? कुछ भी ना कह रहे हैं कि करने को तो संसद किसान खेत में अच्छे लगते हैं, राजनीति करते हुए अच्छे नहीं लगते, खेत में अच्छे लगते ना किसान। किसान खेत में अच्छे लगते हैं पर गधे भी समान ढोते अच्छे लगते हैं, संसद में अच्छे नहीं लगते। जब आप टेलीविजन देखेंगे या मेनस्ट्रीम मीडिया की बात करूं तो वो भी तो यही दर्शा रही है ना बार बार कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। क्यों राजनीति तो हमारे खून में है। अच्छा। हमारे तो खून में है, 18 साल के होते ही हम सब वोट देते हैं तो राजनीति नहीं करते हम लोग। इनके इनके बाप की बपोती है राजनीति जो यही करेंगे। इनको डर ही इसी बात से है कि किसान राजनीति करने लगा है, अब तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। वो कह रहे भोले वाले किसान है हमारे, कांग्रेस भड़का रही है, भोले वाले बता रहे आप लोगों को, समझदार नहीं है। अगर वो भड़का रही है तो तुम शांत कर लो, क्यों नहीं कर रहे? वो बोले राहुल गांधी साउथ से लेकर नॉर्थ तक आग लगा रखा है, कैसे बड़े एक ना तो इनकी खाट के नीचे आग लग गई, सारे नेताओं के खाट के आगे राहुल आग लगा गया। बताऊं कैसे कहता है ये प्रधानमंत्री? ये कहता है कि मैं 20 घंटे काम करता हूं भैया देशभक्ति के लिए 20 घंटे, पर क्या करूं 4 घंटे जब सोऊं नेहरू आ जा के बखेर जा सारे को। और जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे थूकता है भारत, सवाल सरकार से किया जाता है, और जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहती हो सवाल विपक्ष से पूछता है। सरकार उन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया के जवाब देती है, उन्हीं से इंटरव्यू करती है। हाँ देती है ना, जिसे तुम देशभक्त बता रहे थे, गया तो था अक्षय कुमार लेके इंटरव्यू लेना कि आम को काट के खाते हो या चूस के खाते हो, क्या देश का प्रधानमंत्री इस तरह के इंटरव्यू देता है? अगर प्रधानमंत्री की माँ ने उसे दूध पिलाया, आज खुला चैलेंज है, अभी तक नहीं गया था प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द। अगर प्रधानमंत्री को उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो एक दिन बैठ जाए, देश के दो पत्रकारों के नाम ले रहा हूँ, उनके सामने बैठ जाए और एक घंटे का इंटरव्यू हो जाए। अगर पाकिस्तान ना भाग जाए, या तो रवीश कुमार जी को इंटरव्यू दे दे या संदीप चौधरी को दे दे। आप सरकार को थोड़ा हल्के में नहीं लेते हैं? है? आप हल्के में ले रहे हैं थोड़ा सरकार को, ले सांसद है उनके पास, क्या हल्के में क्यों ले रहे हैं? सांसद है तो क्या हो गया, सांसद है हर सांसद है तो हमारे सिर पर चढ़ेगा है। एक एक सांसद के जिस किसान ने गुट मार दिया जमीन में गाड़ देगा। वो तो कह रहे हैं कि जिंदाबाद योगी जी किसानों का धनिया काट देंगे, एक बार लौटिए आंदोलन से आप। काम तो यही तो है, अरे यूपी में ही है धनिया काटेगा। 3 मुकदमे होते के साथ ही लुगाइयों की तरह रोया था संसद में, याद है? अरे याद है ना, हम तो वो भी याद है कि टिकैत साहब भी रोए थे। क्या वो भी याद है? तो टिकैत कौन सा, टिकैत साहब कौन से देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, किसान आदमी है? किसान तो रोवे भी, हंसे भी, गावे भी। आंसू क्यों है टिकैत साहब को? आंसू क्यों है? आंसू नू आए, गलती करी थी टिकैत साहब ने, गलती करी थी, अपनी गलती पर रोए थे कि उन्होंने देश को संदेश दिया है, उन आंसुओं से एक संदेश गया देश को कि देखिए आप लोग मुझे अपना प्रतिनिधि मानते हैं और मैंने बीजेपी को वोट दिया था और ये इतनी गद्दार पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है कि ये जब मेरे साथ धोखा कर सकती है तो आम जनता के साथ कितना बड़ा धोखा करेगी। कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा तो क्या मतलब, क्या अक्टूबर में कुछ खास चीज़ है क्या? अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा कह रहे हैं तो क्या हो गया? अक्टूबर में थारे पे कुछ जोर पड़ रहा? आंदोलन कर रहे हम बैठे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, रास्ता आपने बंद कर रखा है तो लोगों को तो परेशानी हो रही है ना। कौन सा तार हमने बांध रखा है यहाँ, कौन सी कढ़ेर बांध रखी चारों माई हमने है? सरकार ने रास्ते रोक रखे,
सरकार जवाब देगी? आप क्यों? सुनो सुनो, हम घर चले जा, अभी तक एक बरसात आने वाली है, वो गिरेंगे सारे लेंटर, गिरेंगे सीमेंट की चादर, गिर जाएंगे, कूलर भी लगाओगे। अरे यो जो यो बिजली घर से ऐसे ढाके, यहाँ से खेती भी करेंगे। क्या कहेंगे संबित पात्रा है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, डॉक्टर भी है संबित पात्रा, वो आपको उग्रवादी बता रहे हैं। उग्रवादी कहते हैं ये लोग, किसान नहीं है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है। ये वही संबित पात्रा किस दिन मेरे साथ डिबेट में बैठा दिए। अगर हिम्मत है तो आ जा, वरिष्ठ प्रवक्ता है। अरे वरिष्ठ बढ़ गया सरिष्ठ उसमें, उससे उम्र में बढ़ा है, उससे ज्यादा ज्ञान खेती के बारे में। और वो तो देश का इतना बड़ा गद्दार है, डॉक्टरी की डिग्री ली, सरकारी पैसा खराब कराया, एक सीट खराब करी, और जब कोरोना आया कंगना रणावत के बंगले में छुप रहा था, एक भी मरीज नहीं देखा। नहीं, राष्ट्रभक्त पार्टी में है वो, है वो, राष्ट्रभक्त पार्टी में है, बड़े बड़े नेता है, गद्दार पार्टी में है। कैसे राष्ट्रभक्त कह दिया? बहुमत है उनके पास, गद्दार कैसे है? बहुमत है उनके पास। बताऊंगा, आरएसएस की पार्टी और आरएसएस गद्दार, देश की ना किया, दूसरी बार ना तो कभी वोट दिया और ना जिंदगी में दू। और जो भी वोट देगा बीजेपी को, मेरी नजरों में वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। बंगाल में अमित शाह कैसे कह रहे कि 200 पार आएगा इस बार? और उनके पास लोहे की मशीन ना, वो पार्टा बनाया जाएगा, वो लोहे की मशीन ना सेटिंग है, मशीन में सेटिंग, 200 मशीन में सेटिंग करेगा वो, बाकी छोड़ देगा खाली। बंगाल में वो कह रहे हैं कि सब कांग्रेसी किसान है, कांग्रेस वाले पैसे दे के बैठा दिए हैं। बंगाल में वो कह रहे हैं कि सब कांग्रेसी किसान है, पैसे दे के बैठाए गए हैं। बंगाल में किसान कांग्रेसी, यहाँ खालिस्तानी, उनके पाकिस्तानी, वहाँ नक्सली, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, वहाँ माओवादी, तो फिर देशभक्त कहाँ है? फिर देशभक्त का बस यही है सारे, बाकी ना इसमें सर्टिफिकेट उन्हीं के पास तो है, सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है। मैं बता दूंगा, जब आरएसएस वहां से लाए होंगे नागपुर से, 55 साल तक देश का तिरंगा नहीं लहराया जिन्होंने, वो हमें देशभक्ति सिखाते हैं। और जोन से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे, इनसे पूछना कि इनका बाप, इनका दादा या इनका बेटा कभी तिरंगे में लिपट के आया बॉर्डर से? प्रधानमंत्री खुद जाके वहाँ फौजी का ड्रेस पहने घूम क्या फौज में जा? अरे गधे को साबुन से नहाओगे क्या, घोड़ा हो जाएगा, गधा गधा ही रहेगा। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।